हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण विषय गणित के महत्वपूर्ण अध्याय त्रिकोणमिति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए साथियों, डिस्कस करते हैं उन सभी प्रश्नों को। तो पहला स्लाइड आपको यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर साथियों, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। साथियों, आपको साइन थीटा के बारे में पता होना चाहिए, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए आपको? कुछ बेसिक फार्मूले याद होना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या ये कहें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए साथियों? यहाँ पर कुछ एंगल्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जैसे साइन जीरो की ज़ीरो होती है, साइन तीस की वन बाय टू होती है, पैंतालीस की वन बाय रूट थ्री होती है, सिक्सटी की रूट थ्री बाई टू होती है, नाइन्टी की वन होती है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम चलें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहाँ पर पूछा है, यदि टैन थीटा बराबर ए बटे बी है तो बी साइन थीटा माइनस ए अपान बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान होगा। तो चलिए साथियों, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया है टैन थीटा बराबर ए बटे बी, ये छोटा तरीका है, इसको छोटा तरीका बोलेंगे, छोटा तरीका, ये छोटा तरीका है, इसको हम इससे सॉल्व कर रहे हैं। टैन थीटा बराबर ए बटे बी, हमको पता है टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ए है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। और हमको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए है, और कॉस थीटा की बी है। साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं, ए है, और कॉस थीटा की बी है, ठीक है। यहाँ पर भी रख देते हैं, बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। और इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे साथियों, क्या आएगा, बी गुणा ए लिखे चाहे ए बी लिख दें, बात बराबर है। और इसको भी ए बी लिख सकते हैं, और बी गुणा ए को ए बी प्लस ए बी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ए बी में से ए बी घटाएंगे क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और ए बी में ए बी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टू ए बी, और ज़ीरो में किसी चीज़ का भाग करते हैं तो क्या आता है, ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। साथियों, ये छोटा तरीका है, और बड़ा तरीका यानी लंबा तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। लंबा तरीका बहुत आसान है, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर दिया है टैन थीटा बराबर ए बटे बी, और हम जानते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएं, ठीक है, और इसकी वैल्यू थीटा मान लें, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, इससे जुड़ी हुई भुजा आधार, ठीक है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण। हमको पता है टैन थीटा बराबर ए बटे बी, ये होता है। और हम जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर लंब कितना है, लंब हमको दिया है ए, जो लंब है वो क्या है ए है, और जो आधार है वो क्या है बी है, तो लंब कितना हो जाएगा ए की पावर 2 यानी ए स्क्वायर, और आधार क्या है बी है तो बी स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर है। अब सिर्फ अगर हमको कर्ण निकालना है तो स्क्वायर वाला बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ण हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये निकल के आ गया। और हमको क्या क्या पता है, लंब पता है और आधार, लंब ए है आधार बी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लंब क्या है, लंब ए है और आधार क्या है, आधार हमारा है बी, समझ में आ गया। अब हमको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है ए है और कर्ण क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है, आधार है हमारा बी, और कर्ण क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे ही यहाँ पर देखिए बी इंटू साइन थीटा बराबर क्या है ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए इंटू कॉस थीटा क्या है बी बटे, बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है ना, और अपान इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, रख रहे हैं। साइन थीटा क्या है ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए, यहाँ पे ए है, ठीक है ए, और कॉस थीटा क्या है बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए बी गुणा ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है अंडर रूट में, और ए गुणा बी मतलब ए गुणे बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेम है, जब सेम में सेम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ज़ीरो, और ये देखिए ये सेम है और ये सेम है ना, जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2ab अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमको पता है कि ज़ीरो में किसी भी चीज़ का भाग करते हैं तो क्या आता है ज़ीरो आता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो ये साथियों ये छोटा तरीका है और ये बड़ा तरीका है, ठीक है। पेपर में अगर एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो छोटे तरीके से लगा के सॉल्व कर लीजिए, और दो या तीन नंबर में पूछा जाए तो इस तरीकों को लगाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 plus tan square 30 का मान होगा। तो साथियों यहाँ पर आपको tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। ये देखिए tan क्या है, tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 है, ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं tan 30 की, tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, तो इसको सॉल्व करते हैं 2 × tan 30 क्या है 1/√3 अपान 1 plus 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए 1/√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 1/√3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दो बार गुणा हो रहा है, ठीक है, एक का एक में गुणा करते हैं तो क्या आता है एक, और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमेशा कहीं भी अगर अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए हो तो इसका मतलब ए ही आएगा, ठीक है, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी
वन अपान रूट थ्री का जो स्क्वायर है, वन अपान रूट थ्री का जो स्क्वायर है वो वन अपान थ्री आएगा। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी कलर को लेके कंटिन्यू करते हैं। ये क्या हो जाएगा, टू अपान रूट थ्री, और ये क्या है गया, वन अपान वन प्लस थ्री, वन प्लस वन अपान थ्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, टू अपान रूट थ्री अपान, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम थ्री आ जाएगा और थ्री प्लस वन हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, टू अपान रूट थ्री, ठीक है। जिनको मैथ बहुत वीक है उनको भी ये समझ में आ जाएगा, तीन और एक कितना हो जाएगा, चार बटे तीन। अब देखिए जब ऐसे आ जाए, जब कभी आपको ऐसे मिल जाए तो ध्यान से देखिए, जो नीचे वाला होता है वो पलट जाता है। कैसे पलटता है ध्यान से देखिए, टू अपान रूट थ्री है और पलटता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान से देखिए, इनटू, और ये जो थ्री है ये ऊपर चला जाएगा, जो थ्री है ये ऊपर चला जाएगा और जो फोर है वो नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया, ये थ्री ऊपर चला जाएगा और फोर नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिक्स अपान फोर रूट थ्री। अब रूट थ्री की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर सकते हैं और रूट थ्री की मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे। सेम संख्या का डिवाइड और सेम संख्या का मल्टीप्लाई करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स रूट थ्री अपान फोर इंटू, अब देखिए रूट थ्री का रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिक्स रूट थ्री अपान फोर और थ्री का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, यानी चार तीया बारह, और सिक्स वन जा सिक्स और सिक्स टू जा ट्वेल्व होता है, तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री अपान टू। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, रूट थ्री अपान टू, यानी साइन सिक्सटी। साइन सिक्सटी की वैल्यू ये होती है, रूट थ्री अपान टू। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेन थर्टी अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी बराबर है, यानी किसके बराबर है ये पूछा है। तो साथियों बस कुछ नहीं है, इसमें माइनस था और यहाँ पे प्लस था, और उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, माइनस है। तो बहुत आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, टू और टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, वन अपान रूट थ्री अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी, यानी वन अपान रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है साथियों। टू अपान रूट थ्री, मैंने आपको ये समझा दिया, वन अपान रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, वन अपान थ्री होता है। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं वन अपान थ्री, इसको सॉल्व करेंगे, टू अपान रूट थ्री हो जाएगा अपान, और इसका एलसीएम थ्री आ जाएगा, थ्री में से थ्री माइनस वन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू अपान रूट थ्री अपान टू अपान थ्री। अब साथियों मैंने आपको बताया है कि ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पलट जाएगा। कैसे पलटेगा, देखिए टू अपान रूट थ्री इंटू थ्री अपान टू। इस प्रकार साथियों ध्यान से देखिए, टू से टू कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, थ्री अपान रूट थ्री। अब रूट थ्री की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और नीचे कर देते हैं, इसलिए ताकि नीचे रूट थ्री ना रहे, ठीक है, इसीलिए करते हैं ताकि नीचे रूट थ्री ना रहे, और मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेम संख्या से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और सेम संख्या से डिवाइड भी हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, इसको कंटिन्यू करते हैं, थ्री रूट थ्री अपान, अब देखिए रूट थ्री का रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, तो थ्री से थ्री कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रूट थ्री। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रूट थ्री, और ये किसकी वैल्यू होती है, टेन सिक्सटी की, आपको याद कर लेना है, ये रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, टेन सिक्सटी की, रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आपको इतना समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए का मान है। तो साथियों बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए, ठीक है, और
यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मैंने आपको बताया था ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या लिया है, ए लिया है, तो यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। और टेन स्क्वायर ए को अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टेन 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान है। साथियों ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, इसकी वैल्यू जो आई थी वो साइन 60 आई थी, यानी रूट 3/2 आई थी। मैंने इसको पीछे सॉल्व कराया है, देखिए साथियों सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, टेन ए इक्वल टू 4/3, तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, या सेक ए का मान होगा ये पूछा है। हम जानते हैं टेन ए इक्वल टू 4/3 दिया है, और टेन ए बराबर किसके होता है, लंब बटे आधार। टेन ए किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। अगर हम यहाँ पे त्रिभुज बनाएं, तो यहाँ पर एंगल ए है और इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो लंब हमको कितना दिया है, 4 दिया है, आधार कितना दिया है, 3 दिया है, हमको कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो साथियों लंब कितना है, लंब हमारा 4 है यानी 4 का स्क्वायर, धन आधार कितना है, 3 है यानी 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9, और 16 प्लस 9 कितना होता है साथियों, 16 प्लस 9 25 होता है। तो हमारा यहाँ पर जो कर्ण स्क्वायर आएगा वो 25 आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। लेकिन हमको कर्ण स्क्वायर नहीं, हमको कर्ण चाहिए। जब कर्ण चाहिए तो क्या हो जाएगा, √25, और √25 कितना होता है, 5। तो कर्ण कितना आ गया साथियों, कर्ण आ गया हमारा 5। तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी, 5। और हम जानते हैं साथियों sec a बराबर क्या होता है, sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है साथियों, कर्ण है हमारा 5 अभी निकाला हमने, और आधार कितना है, 3। तो sec a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec 90 माइनस ए। cosec 90 माइनस ए का मान है, तो साथियों ये आपको याद रखना है, cosec 90 माइनस ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, cosec 90 माइनस ए ये sec ए के बराबर होता है। cosec 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, sec ए के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान है। तो मैंने आपको बताया है कि sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ये सर्वसंख्या मैंने आपको याद करवाने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, sec a प्लस टेन ए एक कोष्टक में, और दूसरा है 1 माइनस साइन ए बराबर है, ये किसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, एक कोष्टक में, और इसको लिख सकते हैं sec a प्लस टेन ए, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने क्या किया, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है साथियों, अब कुछ नहीं करना है, पहले अब हमको 1 की मल्टीप्लाई इसमें करना है, उसके बाद इसमें करना है। तो करिए, क्या आ जाएगा, sec a प्लस टेन ए, फिर क्या करना है, माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसमें करना है, क्या आएगा, माइनस
प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस साइन ए इंटू सेक ए, ठीक है, और माइनस साइन ए इंटू टैन ए, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टैन ए माइनस साइन ए इंटू, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, वन अपान कॉस ए माइनस साइन ए इंटू टैन ए, ठीक है। साथियों ध्यान से देखिए, सेक ए प्लस टैन ए और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए, टैन ए माइनस साइन ए इंटू टैन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, चेंज करते हैं कलर। देखिए माइनस टैन ए और प्लस टैन ए ये कट गया, माइनस टैन ए और प्लस टैन ए क्या होगा, कट गया। आगे क्या बचेगा, बचेगा हमारा सेक ए माइनस साइन ए इंटू टैन ए। अब ध्यान से देखिए साथियों, हम क्या कर रहे हैं, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, और टैन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ये कहें कि वन अपॉन कॉस ए को हमने क्या कर लिया है, कॉमन निकाल लिया है, तो क्या बचेगा, वन माइनस साइन ए इंटू साइन ए, यही बचेगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉस ए और वन माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी साथियों, ये किसके बराबर हो जाएगी, कॉस ए के बराबर हो जाएगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, ध्यान से देखिए। मुझे पता है कि कई लोग कन्फ्यूज होंगे। देखिए मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ ली, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या लिखा है, ए लिखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको आप हमको सॉल्व करके बताइएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको सॉल्व करूँगा। साथियों अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका वैल्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेथड भी बता सकते हैं कि कैसे आपने किया है। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड होती रहें, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।